हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। पहले तो हमने पढ़ा एरर्स, यानी कि सिंपली यहाँ पर हम अकाउंटिंग एरर्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एरर्स क्यों हो सकते हैं, उसके हमने रीजंस पढ़े, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ अकाउंटिंग एरर। फिर हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, तो उसमें हमने देखा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्टली ओमिशन जिसे हम सिंपली कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। फिर हमने देखा कि व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ कमीशन। फिर हमने देखा व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर हमने देखा व्हाट डू मीन बाय कंपेंसेटिंग एरर। सो दीज आर द बेसिक फोर टाइप्स ऑफ एरर: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर। फिर जाते जाते हमने ये भी पढ़ा कि इन चारों एरर्स को हम सिंपल दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। कौन से एरर्स? वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर विच विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई वन साइडेड एरर है तो तब का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, उन्हें वन साइडेड एरर कहा जाएगा। एंड अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टू साइडेड एरर है तो उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मतलब टू साइडेड एरर है फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। वन साइडेड एरर यानी कि ऐसा एरर जिसका असर केवल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी एक अकाउंट पे पड़ रहा है, जिसके बिल्डिंग का टोटल मैंने ज्यादा लिख लिया या परचेस का टोटल मैंने कम लिख लिया, तो ये सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट पर असर डाल रहा है, ये सिर्फ परचेस अकाउंट पर असर डाल रहा है, तो इट इज वन साइडेड एरर। एरर अफेक्टिंग वन साइड ऑफ अकाउंट और सिंपल वन अकाउंट, उन्हें वन साइडेड एरर कहा जाएगा, और इन एरर्स की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड टू साइडेड एरर मतलब जहां पर सैलरी रिकॉर्ड करना चाहिए था या सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वहां पर मैंने किशोर अकाउंट को डेबिट कर लिया, तो सैलरी डेबिट के जगह मैंने किशोर, मतलब डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी के जगह किशोर में चला गया, तो डेबिट रिकॉर्ड है, डेबिट साइड में कोई गलती नहीं है, बट अकाउंट में गलत है। सैलरी अकाउंट को डेबिट की जगह मैंने राजेश को डेबिट कर लिया, तो ये टू साइडेड एरर हो गया, कि जहां पर सैलरी डेबिट होना चाहिए था वहां राजेश डेबिट हो गया, राजेश में एंट्री नहीं होनी चाहिए थी वहां एंट्री चलेगी, एरर है। सैलरी में एंट्री होनी चाहिए थी वहां एंट्री नहीं लिखी, एरर है। तो एरर विच अफेक्ट टू अकाउंट्स विल बी कॉल्ड एज टू साइडेड एरर। एंड अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू साइडेड एरर है तो उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं दिखता है, राइट। तो एरर्स क्या है ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, अगर डाउट है तो फिर से चाहिए लास्ट लेक्चर को रिवाइज करो, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको अप्लाई करनी है। तो जो पहला सिंपल स्टेप है दैट इज कि एरर को लोकेट करो, दैट इज लोकेटिंग एन एरर। एरर को ढूंढो, पहले एरर को ढूंढो तभी जाके आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, यस और नो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज कि फाइंड द एरर, लोकेट द एरर। अब एरर को लोकेट कब कर सकते हो, तो एरर को लोकेट करने के वी कैन सिंपली से दो पार्ट है। एक, आप एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही लोकेट कर सकते हो, कि अरे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो या लेजर्स को बैलेंस कर रहे हो, लेजर को बैलेंस करते वक्त आपको पता चला कि कुछ गलतियां हैं, तो आपको एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मिला, मतलब एरर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही लोकेट किया, तो उसे फिर कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा उसकी प्रोसीजर अलग है। बट आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको एरर मिला, तो उसे हम सिंपली कहेंगे कि हमें एरर मिले आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो लोकेटिंग ऑफ एरर के दो हिस्से हैं, एक आप उसे कह सकते हो एरर्स कैन बी लोकेटेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या दूसरा आप उसे कह सकते हो एरर्स विच आर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एरर कब मिला, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला, एरर ट्रेस्ड और लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या एरर विच इज लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर। द एरर इज फाउंड बिफोर ट्रायल बैलेंस और एरर इज फाउंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर व्हाट? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर व्हाट? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि एरर मिला कब? मिला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो फिर हमारी रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस अलग होगी। एरर मिला कब? मिला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो हमारी रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस अलग होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एरर को फाइंड आउट करो। एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल सकता है, तो उसे हम कहेंगे एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको कोई एरर मिला, तो उसे कहेंगे हम एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये क्लियर है, सिंपल। एरर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, या एरर की लोकेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ये क्लियर है? तो ये स्टेप 1 है, एरर को लोकेट करो।
राइट right? फिर स्टेप टू क्या है, उस एरर की टाइप ढूंढो, टाइप ऑफ एन एरर, कि एरर का टाइप क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर, तो यहां पर आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन उसमें नहीं जाना है. यहां पर आपको डिवाइड करना है कि वो एरर वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर. कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि फर्स्ट थिंग कि एरर आपको ट्रायल बैलेंस से पहले मिला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सेकंड थिंग इज कि वो जो एरर है वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है. तो ये क्लियर है सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है कि एरर का टाइप पहचानो कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है. तो पहला मैंने एरर को लोकेट किया कि वो ट्रायल बैलेंस से पहले मिला या ट्रायल बैलेंस के बाद में मिला. फिर मैंने उन एरर्स को डिवाइड किया वन साइडेड एरर में एंड टू साइडेड एरर में. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एरर मिल गया, वो वन साइडेड है या टू साइडेड है वो भी पता चल गया. अब उन एरर्स को सिंपली क्या करो, रेक्टिफाई करो. तो जो तीसरा स्टेप है दैट इज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम तभी अच्छे से कर सकते हैं अगर हमें यह पता है कि एरर ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के आफ्टर है. क्या अगर एरर ट्रायल बैलेंस के पहले मिला है तो उसकी प्रोसेस रेक्टिफाई करने की अलग होगी, एंड अगर एरर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला है तो उसे रेक्टिफाई करने की प्रोसेस अलग होगी. गेटिंग इट? तो ये तीन स्टेप क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, कि पहले एरर को लोकेट करो कि वो ट्रायल बैलेंस से पहले मिला या ट्रायल बैलेंस के बाद मिला. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको एरर मिला तो रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस अलग होगी. अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको एरर मिला तो उसकी रेक्टिफिकेशन की मेथड अलग होगी या तरीका अलग होगा. फिर उन एरर्स को डिवाइड करो कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है. मान लो आपको कोई एरर मिला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, राइट right? कि एरर मिला कब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले. अब मैं चेक करूंगा कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है, एंड फिर मैं उसे उस तरीके से रेक्टिफाई करूंगा. या मान लो मुझे एरर मिला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर से उस एरर को मैं डिवाइड करूंगा इनटू वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर, एंड फिर मैं उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री या उसे रेक्टिफिकेशन की कैसे किया जाएगा उस पर सोचूंगा. तो अगर मुझे एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिर से हम डिवाइड करेंगे कि जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से पहले मिला या एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिला, उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस डिसाइड की जाएगी. तो फिर से एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं. अब एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि आपको एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिला या ट्रायल बैलेंस के बाद में मिला. तो यहां पर मैं फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर After preparation of trial balance. पहले हम डिस्कस करते हैं कि rectification of error before preparation of trial balance, right? कि मुझे error मिला, कब मिला? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले. अब वो एरर वन साइडेड एरर हो सकता है या फिर टू साइडेड एरर हो सकता है. अगर मुझे एरर वन साइडेड एरर मिला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए मुझे कुछ भी एंट्री देने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. सिंपल टू समराइज, इफ वन साइडेड एरर इज लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, one-sided error is located before preparation of trial balance, then उसे rectify करने के लिए मुझे कोई भी specific entry pass करने की जरूरत नहीं है. Say example, ledger की total, बिल्डिंग अकाउंट के लेजर की टोटल 5000 मैंने ज्यादा लिखी, राइट ये वन साइडेड एरर हुआ. बट ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे समझ में आया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसकी टोटल करेक्ट करके बैलेंसिंग फिगर सही निकाल लूंगा, क्योंकि अभी तक ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है. तो सिंपल वहां पर मैं क्या करूंगा, जो गलत अमाउंट है उसको स्क्रैच करके सही अमाउंट लिख लूंगा. तो अकाउंटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. तो इफ वन साइडेड एरर इज लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, नो नीड ऑफ पासिंग एनी जर्नल एंट्री और नो नीड ऑफ पासिंग एनी काइंड ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो कोई नई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए. क्या है, अगर बिल्डिंग की टोटल ज्यादा है 5000, तो उसे 5000 कम कर दो, या वो ज्यादा है 5000 तो 5000 कम करो. वैसे ही अगर 5000 कम है तो उसमें 5000 बढ़ा दो, सिंपल. तो नो नीड ऑफ पासिंग एनी स्पेसिफिक एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग वन साइडेड एरर व्हिच इज लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. बट अगर आपको टू साइडेड एरर मिलता है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी कि टू साइडेड एरर है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले. से मैंने संजय को सैलरी पे की तो डेबिट होना चाहिए था सैलरी अकाउंट, मैंने गलती से संजय अकाउंट को डेबिट कर लिया तो गलत एंट्री हो गई. जहां पर सैलरी को डेबिट होना चाहिए था मैंने संजय को डेबिट कर लिया. तो मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा बाय पासिंग अ न्यू जर्नल एंट्री.
तो जब भी टू साइडेड एरर आपको मिलेगा बिफोर ट्रायल बैलेंस, आपको उसे रेक्टिफाई करने के लिए एक सिंपल सी अलग सी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमेशा याद रखो, टू साइडेड एरर मिला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको स्पेसिफिकली एक अलग से जर्नल एंट्री बनानी है, या उसके लिए एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है, समथिंग अकाउंट डेबिट टू समथिंग अकाउंट क्रेडिट, राइट। जो हम रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज कैसे करते हैं वो आगे पढ़ने वाले हैं जब हम सम सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर टू साइडेड एरर आपको ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले मिला, तो टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कंपल्सरीली आपको क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी। अब जर्नल एंट्री कहां पर पास करनी है, तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन की कोई भी जर्नल एंट्री पास करोगे तो उसके लिए हम अलग से जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, इसे हाईलाइट करो। आप चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं वो आपके नोटबुक में साइड बाय साइड रिकॉर्ड करो। हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आपको पहले पता होना चाहिए कि एरर की लोकेशन क्या है। ट्रायल बैलेंस से पहले एरर मिला है, ट्रायल बैलेंस के बाद में मिला। अगर वो ट्रायल बैलेंस से पहले मिला है तो फिर हम डिवाइड करेंगे कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। अगर वो वन साइडेड एरर है तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है तो डेबिट की टोटल कम करो, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट की टोटल कम करो। तो जो अकाउंटिंग में एरर थी, गलतियां थी, वो वही के वही आप सुलझा सकते हो विदाउट पासिंग अ न्यू एंट्री इन वन साइडेड एरर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट अगर आपको टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिला, तो उस टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक सेपरेटली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई एरर, एरर को सुधारने के लिए, गलती को सही करने के लिए आपको और एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और इस रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को हम पास करते हैं इन जर्नल प्रॉपर। तो ये क्लियर है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ये तीसरी स्टेप है, कि तीसरे स्टेप में क्या कहते हैं कि एरर को रेक्टिफाई करो। स्टेप वन क्या थी, स्टेप वन है कि एरर को लोकेट करो। फिर स्टेप टू क्या थी, कि टाइप ऑफ एरर को डिवाइड करो कि वन साइडेड एरर है, फिर टू साइडेड एरर है, फिर उन एरर को रेक्टिफाई करो। अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है एंड वो वन साइडेड एरर है, तो उसके लिए आपको कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला है एंड वो टू साइडेड एरर है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री पास करनी है इन अ जर्नल प्रॉपर। ये क्लियर है। वैसे हम अगले पार्ट पर चलते हैं कि अगर आपको एरर मिला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि हाउ टू रेक्टिफाई एंट्री विच इज लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर से ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको एरर मिला, तो फिर से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। तो फिर से वही लॉजिक कि अगर आपको एरर को रेक्टिफाई करना है तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो फिर से हम उसे वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर में डिवाइड करेंगे एंड उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। एंड अगर वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो फिर से हम उसे वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर में डिवाइड करेंगे एंड उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। ये क्लियर है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एरर की लोकेशन ट्रायल बैलेंस से पहले है या ट्रायल बैलेंस के बाद में। अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाद मिला, तो फिर से हम उसे डिवाइड करेंगे वन साइडेड एरर टू साइडेड एरर। तो ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मुझे एरर मिल रहा है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? इन फर्स्ट केस ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे एरर मिला, तो वहां पर ट्रायल बैलेंस का सवाल ही नहीं है। वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला, तो उसे सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर गलतियां है वो स्क्रैच करके, व्हाइटनर लगा के एरर्स को रेक्टिफाई करो। बट अगर आपको टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिली, तो उसके लिए एक सेपरेट से क्या करो, जर्नल प्रॉपर बनाओ, उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। बट आपको एरर्स अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिले, तो फिर से हम उसे डिवाइड करेंगे वेदर दिस आर वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अगर वो वन साइडेड एरर है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वन साइडेड एरर मिले, तो इसका ये मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। वन साइडेड एरर विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सिंपल दिमाग में डाल दो। वन साइडेड एरर मतलब ऐसा एरर जो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उस एक अकाउंट की अमाउंट में कुछ गड़बड़ी होगी। तो जब आप वो गड़बड़ वाली अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लेके जाओगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो वही मैं आगे लिख के दे रहा हूं कि वन साइड
undecided error will affect the agreement of trial balance, that is trial balance will not tally. अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वन साइडेड एरर मिले तो इसका मतलब है आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. मतलब ट्रायल बैलेंस का इधर डेबिट साइड ज्यादा आएगा या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा. डेबिट ज्यादा हो सकता है या क्रेडिट ज्यादा हो सकता है, मतलब टैली नहीं हो रहा है. ट्रायल बैलेंस जनरली टैली होना चाहिए, टैली नहीं हुआ इसका मतलब देयर आर एरर. विच टाइप ऑफ एरर? वन साइडेड एरर. तो वन साइडेड एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा एंड उस ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. यस और नो? मान लो डेबिट के टोटल 10,000 है, क्रेडिट के टोटल 9,000 है. आप एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो, डेबिट के आइटम्स की टोटल आ गई 10,000, क्रेडिट के आइटम्स की टोटल आ गई 9,000. सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000. तो ये डिफरेंस ऑफ 1,000 क्यों है? बिकॉज देर आर सर्टन एरर. अब ये 1,000 के डिफरेंस को हम करेंगे क्या? ट्रायल बैलेंस तो बन गया बट टैली नहीं हुआ, मतलब वन साइडेड एरर है. तो इन डिफरेंस को हमेशा आपको ट्रांसफर करना है टू सस्पेंस अकाउंट. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को आपको ट्रांसफर करना है टू सस्पेंस अकाउंट. वही मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस इन ट्रायल balance will be transferred to suspense account. There are one-sided error. Because of one-sided error, आपका trial balance tally नहीं हुआ. तो trial balance में जो difference आएगा कि debit की total 10,000 है, credit की total 9,000 है, credit में 1,000 रुपए का difference आ रहा है, उस 1,000 रुपए को हम कहेंगे suspense. कि 1,000 क्या है पता नहीं, suspense है, error है, error की वजह से trial balance tally नहीं हो रहा है. तो उस 1,000 amount को हम कहेंगे suspense account. वही मैंने कहा कि in case आपका trial balance tally नहीं होता है तो difference of trial balance will be transferred to suspense account. कि one-sided error की वजह से trial balance tally नहीं हुआ, there will be सर्टन डिफरेंस. वो क्रेडिट में भी आ सकता है या डेबिट में भी आ सकता है. क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में. क्रेडिट की टोटल मान लो 15,000 है, डेबिट की टोटल मान लो 13,000 है, तो डिफरेंस आ गया 2,000 ऑन द डेबिट साइड, वो बन जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट. तो इन दैट केस हम कहेंगे कि सस्पेंस अकाउंट में 2,000 का डेबिट है. अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे, एज सस्पेंस अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस. ऑन द अदर हैंड डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे सस्पेंस अकाउंट को, कि सस्पेंस अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस. इन्हें इन डिटेल हम आगे सम्स में भी पढ़ने वाले हैं. अभी समझने की बात इतनी है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे वन साइडेड एरर मिला, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद मुझे वन साइडेड एरर मिला, इसका मतलब है मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब वन साइडेड एरर है, या वन साइडेड एरर है इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ. तो जो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट. कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में. तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा हम तब बनाएंगे जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो उसका डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज अ सस्पेंस एंड उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट नाम के एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ये क्लियर है? ये तो हुआ कि वन साइडेड एरर मुझे मिला. अब इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाए? तो अगर आपको वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलता है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है, बट उस एंट्री को पास करते वक्त आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना है. तो हाउ टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर? तो उसका आंसर है रेक्टिफाइंग बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेके आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. इज दिस क्लियर? कि आपको अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद मिला तो आपको उस वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री. बाय पासिंग व्हाट? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री. बट जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आइदर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा. वो कैसे डेबिट होगा कैसे क्रेडिट होगा वो हम सम सॉल्व करते वक्त समझ लेंगे. अभी समझने की बात बस इतनी है कि आपको अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस के बाद मिला तो उस वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको जर्नल एंट्री कंपलसरी पास करनी है. बट उस जर्नल एंट्री को पास करते वक्त उस जर्नल एंट्री में आपको सस्पेंस अकाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वन साइडेड एरर है. वन साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो वो उस वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते वक्त हमें उसमें सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा. आइदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा या फिर क्रेडिट करना पड़ेगा. डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, वो सम सॉल्व करते वक्त की बात है. तो अभी समझने की बात बस इतनी है कि वन साइडेड एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट को आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट करना है. ये क्लियर है?
अब उसी तरह अगर आपको टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला तो उसका ट्रीटमेंट सेम उसी प्रकार होगा जैसे हमें टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला। तो टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिले या बाद में मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टू साइडेड एरर का असर ट्रायल बैलेंस पे होता ही नहीं है, सिर्फ वन साइडेड एरर का असर ट्रायल बैलेंस पे होता है। गेटिंग इट? तो अगर आपको टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी अगर मिले तो उसका कोई असर ट्रायल बैलेंस के टैली होने पे नहीं पड़ता है। तो वही कहा है कि ट्रायल बैलेंस विल टैली, टू साइडेड एरर है यस और नो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी मिला है तो उसका कोई असर ट्रायल बैलेंस पर दिखेगा क्या? आंसर इज नो, कि टू साइडेड एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी अगर मिले तो उसका कोई असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं दिखेगा, कि ट्रायल बैलेंस विल टैली, टू साइडेड एरर है, इट विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस विल टैली। बट हाउ टू रेक्टिफाई टू साइडेड एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उसका आंसर है बाय पासिंग अ सिंपल जर्नल एंट्री विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। उस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का करनी होगा क्योंकि ये टू साइडेड एरर है कि राजेश की एंट्री सैलरी में चली गई या सैलरी की एंट्री राजेश अकाउंट में चली गई, तो राजेश और सैलरी को आपस में रेक्टिफाई करो, उसमें सस्पेंस अकाउंट को रिकॉर्ड करने की या उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है एरर की, कि एरर हमें ट्रायल बैलेंस से पहले मिला यानी कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले मिला, एंड फिर अगर मिला है ट्रायल बैलेंस करने से पहले या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले, तो हमें चाहिए कि टाइप ऑफ एरर क्या है, वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है, फिर वो रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा उस पर डिस्कशन होगा। अगर हमें एरर मिला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो हम उसे फिर से डिवाइड करेंगे कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर है मतलब वो ट्रायल बैलेंस पर असर डालेगा, तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड उस वन साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट या थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? बट अगर मुझे टू साइडेड एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस मिला तो उसका असर टैली होने पर नहीं पड़ता है, दैट इज ट्रायल बैलेंस टैली होने पर नहीं पड़ता है, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे लेकिन जिसमें सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें हमेशा याद रखो कि एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला या बाद में मिला, फिर ये इंपॉर्टेंट है कि वो वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। अगर वो वन साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड अगर वो टू साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल जर्नल प्रॉपर में एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करो, एंड अगर आपको एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला है एंड अगर वो वन साइडेड एरर है तो उसे रेक्टिफाई करो बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट, एंड अगर आपको टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला है तो भी उसे रेक्टिफाई करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन उस जर्नल एंट्री में सस्पेंस का कोई जिक्र नहीं करो। Is this clear? तो ये हुआ हमारा how to rectify the errors. तो these are the steps to rectify the error, right? इन्हीं steps को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, आपको as a summary लिख के दे रहा हूँ कि जो अभी हमने पढ़ा इस lecture में उसका एक simple मैं आपको summary लिख के दे रहा हूँ, या मैं simple आपको देख रहा हूँ या दे रहा हूँ points to remember, कि आपको क्या क्या याद रखना है जब भी आप एरर्स को रेक्टिफाई करोगे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहले कि वो वन साइडेड एरर है, अगर वो वन साइडेड एरर है तो वो ट्रायल बैलेंस से पहले मिला या ट्रायल बैलेंस के बाद में मिला, बस इतना ही सोचना है। गेटिंग इट? इफ इट इज अ वन साइडेड एरर, राइट, पहले तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको लिस्ट ऑफ एरर्स दी जाएगी, फिर आपको समझना है कि ये एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है। गेटिंग इट? मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को या एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे अप्रोच रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको एरर पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में आपको एरर दी जाएगी कि ये एरर हुआ, से मान लो उन्होंने लिख लिया कि सेल्स बुक की टोटल ज़्यादा है, ये एरर है, तो ये एरर वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है, ये आपको समझना है। तो सेल्स बुक की टोटल ज़्यादा है, मतलब ये एरर केवल सेल्स बुक यानी कि सेल्स अकाउंट को असर कर रहा है, तो ये वन साइडेड एरर है। तो ये समझ में आया, ये वन साइडेड एरर है। अब ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में मिला है। अगर वन साइडेड एरर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल सेल्स बुक में जाऊँगा, उसकी टोटल कम है तो बढ़ाऊँगा, ज़्यादा है तो कम करूँगा, सिंपल एज दैट। तो नो सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड।
बट अगर वन साइडेड एरर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला है तो मुझे उसके लिए एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और उस जर्नल एंट्री में मुझे सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा. सिंपली मुझे वन साइडेड एरर विच इज लोकेटेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है थ्रू सस्पेंस अकाउंट. ये क्लियर है? तो सिंपल ये जो मैंने चार्ट यहां पर दिया, वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस नथिंग टू डू, वन साइडेड एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस या लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इट टू रेक्टिफाई इट बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट. सिंपल ये समरी है टू अंडरस्टैंड. या सिंपल आपको और क्या याद रखना है तो इसके नीचे एक नोट लिखो कि वन साइडेड एरर विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. कि जो वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिले इसका मतलब है आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ. तो वन साइडेड एरर विल अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये याद रखो कि वन साइडेड एरर विल ऑलवेज अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड उस ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा वो हम हमेशा सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने आपको चार्ट दिया कि एरर का टाइप पहले पहचानो, क्वेश्चन पढ़ो, एरर का टाइप पहचानो, अरे वन साइडेड एरर है, फिर सोचो कि ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद है. अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है तो सिंपल आपको कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है. बट अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको मिला है तो आपको उसे रेक्टिफाई करने के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी है. ये क्लियर है? राइट. अब चलते हैं ऑन टू साइडेड एरर. अगर आपको टू साइडेड एरर मिलता है तो वो चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस हो या चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट या विदाउट मेंशनिंग सस्पेंस अकाउंट. तो टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस है चाहे पहले मिले या ट्रायल बैलेंस के चाहे बाद में मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिले या ट्रायल बैलेंस के बाद में मिले, उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको कंपल्सरीली जर्नल एंट्री पास करनी है. गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरी टाइम अगर आपको टू साइडेड एरर मिला तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि वो ट्रायल बैलेंस से पहले या बाद में है, उसे रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल क्या करो, जर्नल एंट्री, दैट इज जर्नल प्रॉपर बनाओ, उसमें जर्नल एंट्री पास करो. बट उस जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का जिक्र नहीं करना है. रेक्टिफाई टू साइडेड एरर बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है? ओनली वाइल रेक्टिफाइंग वन साइडेड एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये क्लियर है? तो टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको कंपलसरी ईच एंड एवरी टाइम जर्नल एंट्री पास करनी ही करनी है. तो ये जितना भी मैंने आपको समरी बताया ये ध्यान से पढ़ो, समझो, याद रखो, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे या ऑब्जेक्टिव्स के आंसर लिखोगे तो ये पूरा उसमें काम में आएगा. एक चीज़ आपको और मैं बता रहा हूँ, नोट करके रखो कि जब भी टू साइडेड एरर आपको मिलेगा उसका कोई भी असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं होगा. टू साइडेड एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. कि टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले हो या बाद में हो उसका कोई भी ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं होगा, क्योंकि इट इज टू साइडेड एरर, इट इज अफेक्टिंग टू डिफरेंट अकाउंट. राइट. राजेश के डेबिट की जगह अजय में डेबिट हो गया, टू साइडेड एरर है. राइट. इसका अफेक्ट या उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं होगा. राइट. एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज ऑलवेज रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री. टू साइडेड एरर इज ऑलवेज रेक्टिफाइड विद अ जर्नल एंट्री. एंड जर्नल एंट्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं या रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इन जर्नल प्रॉपर. ये क्लियर है? तो ये समरी जो मैंने अभी आपको बताई, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इन्हें अपने दिमाग में फिट करो. इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे विथ आर फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. क्या शुरुआत करेंगे? विथ आर फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर वन. तो चाहिए तो बस उसके पढ़ के रखो, एंड अगर आपको समझ में आ रहा है जो दिए हुए ट्रांजैक्शन है वो टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है, उन्हें मार्क करके रखो. राइट. तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ना है और बस इतना ही गेस करना है ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है, नथिंग एल्स. फिर उसे रेक्टिफाई कैसे करना है वो हम देखते हैं. राइट. तो इतना काम करके रखो. मिलते हैं कल. तब तक हैव अ गुड डे. सी यू. बाय.